वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज एक और वीडियो के साथ हम लोग हाजिर हैं। आज का जो वीडियो है वो है रिलेटेड टू द नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन जो होता है उससे रिलेटेड है। और मेरा डिनर बन चुका है, आज डोसा था डिनर में। और खाना बनाने के बाद जो किचन की हालत होती है वो मेरे ख्याल से सारी हाउसवाइफ बहुत अच्छे से जानती होंगी। और इसको भी अच्छे से क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो बस हम लोग वही कर रहे हैं और साफ़ सफाई में बस लगे पड़े हैं। तो मैदानी जंग में आइए शामिल होते हैं। मैं यहाँ पे जो भी वेस्ट थोड़ा बहुत बच जाता है, जैसे कि लास्ट की रोटी और जो थोड़ा बहुत वेस्ट रह जाता है किचन में जो डस्टबिन में जाना चाहिए, बस मैं वही एक न्यूज़पेपर में कलेक्ट कर रही हूँ। कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि आपका कोई भी फूड या कुछ भी वेस्ट ना हो, और बाकी सारी सामान जो जहाँ पर होना चाहिए बस साफ़ सुथरा करके मैं वही पहुँचा रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर एक एक करके सारे जो हैं डब्बे वगैरह जितने भी ऑयल कंटेनर्स हैं जो गैस के साइड में रखे रहते हैं उनको हल्का सा वाइप कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप काफ़ी दिनों बाद इकट्ठा करते हो उसको साफ़ करते हो तो बहुत सारी ऑयल और ग्रीस जम जाती है, तो ज़्यादा मेहनत लगता है उसको साफ़ करने में। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप अगर जैसे डेली या हर दो तीन दिन में एक दो बारी उसको हल्का हल्का वाइप करते रहें तो ज़्यादा ऑयल इकट्ठा नहीं होता, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो मैं बस वही कर रही हूँ, हल्का सा आप वाइप कर दें डब्बे डब्बों को तो ज़्यादा ऑयल ग्रीस नहीं होता, ज़्यादा डर्ट भी कलेक्ट नहीं होती वहाँ पे, तो ये बहुत सही रहता है। तो मैं बस अब उस कॉर्नर को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, वहाँ साफ़ करके फिर एक एक करके सारे डब्बे वाइप करके ऑयल कंटेनर स्पेशली मैं उसको वहीं वापस रख दूँगी। अब मैं लास्ट में काउंटर टॉप को वाइप कर रही हूँ ताकि
किसी तरह की कोई डर्ट या फूड पार्टिकल ना रह जाए, क्योंकि कोई भी अगर फूड पार्टिकल रह जाता है तो फिर वहाँ पे छोटे छोटे कॉकरोच और कीड़े आ जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है किचन में। और अब लास्ट में मैं एक हल्का सा वाइप दे रही हूँ टाइल्स को, क्योंकि मेरी जो टाइल्स हैं वो वाइट कलर में, इसलिए थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा मांग करती है। तो मैं हमेशा सुबह शाम जब भी खाना बनाती हूँ तो एक बार हल्का सा वाइप टाइल्स पे ज़रूर देती हूँ, ताकि रोज़ रोज़ ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आप थोड़ा थोड़ा करते रहें तो फिर ऐसा नहीं है कि हर 8-10 दिन बाद आपको पूरा अच्छे से डिटर्जेंट वगैरह लेके बैठना पड़ेगा और आपको स्क्रब करना पड़ेगा। तो ये मेहनत को रिड्यूस कर देता है। ये मेरी डेली हैबिट है, आप भी ज़रूर अपनाइए। यकीन मानिए बहुत कम टाइम लगता है और चीज़ें मेंटेन रहती हैं अपनी जगह पर। मेरे बर्तन अब यहाँ पर साफ़ हो गए हैं और लगभग पूरी सिंक भरी हुई थी और अब धीरे धीरे करके सब अच्छे से साफ़ हो गए हैं। लास्ट में मैं इसको अच्छे से क्लीन करूँगी। मैं सिंक को भी एक बार अच्छे से क्लीन करती हूँ रात के टाइम, ताकि किसी तरह का कोई फूड पार्टिकल ना रह जाए, क्योंकि इससे फिर दोबारा से कीड़े मकोड़े या कॉकरोच अट्रैक्ट होने का डर रहता है। और अब ये रात का रूटीन है, बादाम वगैरह जो भी गलाना होता है मैं गला देती हूँ, ताकि सुबह उसको इस्तेमाल किया जा सके। और अब लास्ट में मेरे साफ़ सुथरे किचन का फाइनल व्यू। यकीन मानिए अगर रात में किचन साफ सुथरी हो तो सुबह रात भर नींद अच्छी आती है, और सुबह किसी तरह के बिना किसी टेंशन के और बड़ी हैप्पी मूड के साथ आप एंटर करते हो तो पूरा दिन बहुत अच्छे से जाता है।